وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين के बाद सानेहाई करबला में इमाम आली मकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साथ 72 नफूस की शहादत और उस शहादत और उस जुल्म जो अहले बैत अतहार पर किया गया खानदान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर किया गया उस शहादत के बाद उस जुल्म के बाद भी यजीद और यजीदी फौजों का जबर जुल्म जारी रहा और उस सानहे में जो अहले बैत अतहार की खवातीन और कुछ बच्चे जो बच गए थे उनमें एक हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है जिस वक़्त आप करबला के अंदर अपने बाबा जान के साथ शरीक हुए तो आप शदीद अलील थे, बीमार थे, हालत बुखार में थे, जिस्म में नकाहत और कमजोरी का ये आलम था कि आप उठकर बैठ नहीं सकते थे। आप उस खैमे के अंदर मौजूद थे जिन्होंने ये सारा खूनी मंजर अपनी आंखों के सामने देखा और 18 मुहर्रमुल हराम सन 94 हिजरी को हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। इसलिए जहाँ पर शहादाए करबला को हमने मुख्तलिफ इज्तिमात के अंदर और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर खराज अकीदत और मोहब्बत पेश किया
आज की गुफ्तगू में हज़रत सैयदना इमाम ज़ैन अल-आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल, आपके मनाक़िब और आपसे फिर अल्लाह ताला ने जो आगे नस्ल मुस्तफ़ा को चलाया उसके चंद नकूश आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सानिहा है करबला के अफराद में, ख्वातीन में हजरत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उस काफिले में शहादत इमाम आली मकाम के बाद सबसे बड़ी थी, उन्होंने उन 72 तन जो जिनके सर कटे हुए थे और जिनको यजीदी फौजों ने जुल्म और सितम के साथ कत्ल और गारत करके करबला के दहकते हुए सहरा में छोड़ दिया था, उस पूरे मंजर को उन्होंने एक झलक में बयान किया है जिसको इमाम इब्ने कसीर ने भी बयान किया है, साहिब तारीख तबरी ने भी बयान किया है और दीगर अहले सियर ने उसकी मंजर कशी की है। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल मसाइब कहते थे, मसाइब और आजमाइश की माँ, क्योंकि उन्होंने अपने सामने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन का सर कलम होते हुए अपनी आंखों से देखा। अपने सामने जब इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गोद के अंदर आपके 6 माह के नन्हे अली असगर मौजूद थे और यजीदियों ने जब उन पर तीर बरसाया और तीर उनके हलक से पैवस्त हुआ और आपने उस तीर को निकाल के उनका खून आलोद जिस्म इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने जाकर अपनी बहन के गोद के अंदर रखा, वो मंजर भी हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपनी आंखों के सामने देखा। नौजवान अली अकबर को और अपने भाई हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा के जो है वो बेटों को और इसी तरीके से खानदान नबुव्वत के और अपने बेटों को और खानदान नबुव्वत के तकरीबन जो 20 अफराद करबला में शहीद हुए, हर एक की लाश को, हर एक के जसद को और हर एक की खून में लिपटी हुई लाश को अपनी आंखों से सामने देखकर उस मंजर को आपने बयान किया। आप फरमाती हैं कि उस वक्त तक इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हम ख़वातीन को खेमे से बाहर निकलने की इजाज़त न दी और सब्र की तलकीन करते रहे जब तक के इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत होती, जब तक उनका सांस कायम रहा। कहती हैं कि जब इमाम आली मकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो गए, असर का वक्त था और बिल्कुल आवाज़ें आना बंद हो गईं, कहती हैं कि उस वक़्त मुझे यकीन हो गया कि इन ज़ालिमों ने हजरत सैयदना इमाम आली मकाम नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल जनाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया। फिर उस वक़्त आप कहती हैं कि मैं कोशिश की कि मैं बाहर निकल कर देखूं, तो कहती हैं मैं बाहर निकली तो फिर यजीदी फौजों ने उन पर्दादार ख्वातीन जो हरम रसूल से जिनका ताल्लुक था, जिनका ताल्लुक औलाद रसूल से था, जिनका ताल्लुक ख़ानदान रसूल से था, वो ख़वातीन वो अहबाब जिनको मेरे रब की तरफ से युतहिरकुम तत्हीरा का एजाज अता किया गया, जिनकी पाकी को मेरे रब ने बयान फरमाया,
जिनकी पाकी को मेरे मुस्तफा करीम ने बयान फरमाया, कहती हैं कि उन यजीदी फौजों ने उन खवातीन के खैमों को भी रौंद डाला और खैमों को भी आग लगा दी। कहती हैं कि जब वो वहां पहुंची तो उस खैमे के अंदर हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 22 साल थी। कितनी उम्र थी? 22 साल थी और शदीद बुखार के आलम में थे, जिस्म के अंदर नकाहत थी और फिर वो उठ नहीं सकते थे। तो यजीदी फौजों ने उनको भी कत्ल करने की कोशिश की, तो फिर वहाँ पर कुछ अफराद ने उनको तवज्जो दिलाई कि भाई ये बीमार हैं, इनको जो है वो जंग के अंदर शरीक नहीं हुए हैं। तो फिर उनको छोड़ तो दिया लेकिन उनको जंजीरों से बांध कर कैद कर लिया गया, हाथ भी बांध दिए गए, पांव भी बांध दिए गए। ये वो जुल्म की दास्तानें हैं जिनको बयान करने के लिए हमारे पास इतना जिगर है नहीं है। ये सिर्फ इशारों और कनाओं के अंदर मैं सिर्फ इसके हालात का एक अक्स आपके खदमत में पेश कर रहा हूँ, ताकि उम्मत को पता चल सके कि आज जो दीन हमारे पास सही और सालिम हालत में मौजूद है, जो दीन सलामत है, उस दीन के पीछे मेरे मुस्तफ़ा के ख़ानदान के खून की कितनी बड़ी कुर्बानी है। शजर इस्लाम की आबियारी इमाम आली मकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 6 माह के अली असगर के ज़र के खून से दी है, अपने नौजवान अली अकबर के खून से दी है, ऊन और मोहम्मद के खून से दी है, हजरत इमाम आली मकाम इमाम हसन के शहजादों के खून के साथ इस्लाम के शजर इस्लाम की आबियारी की गई है। इसी तरीके से हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के जो सोतीले भाई थे, जो मौलाए कायनात की दूसरी अजवाज में से थे, जो सैयदाए कायनात के विसाल के बाद जो आपने शादी की है उनमें से जो बच्चे थे, वो 3 बच्चे वो शहीद हुए, वो उनको पेश कर दिया गया। इसी तरीके से जब देखा कि शजर इस्लाम की इस्लाम का शजर तरोताज़ा रहेगा और ये दुश्मन के और शरीरों के शर से महफूज रहेगा और क़यामत तक के लिए दीन बच जाएगा, लेकिन इसे हुसैन के खून की आबियारी चाहिए, तो अपने आप को पेश कर उस पूरे मंजर को, करबला के पूरे मंजर को सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हो ये अपनी आंखों से देख रही थी। हजरत ज़ैनब कहती है कि जब मैं खैमे से बाहर आई तो मैंने देखा कि लाशों के ढेर लगे हुए। जब तक के 71 शहादा करबला के अंदर शहीद होते रहे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, उस वक्त तक अहले सीयर ने लिखा कि उस वक्त तक हजरत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन एक एक शहीद की लाश को उठाकर उसको तरतीब से रखते रहे। पहले एक को रखा, फिर दूसरे, 71 लाशों को अपनी तरतीब से रखने के बाद फिर 72वें नंबर पर अपने आप को पेश किया। और जब अपने आप को पेश किया तो जालिमों ने आपको, आपके सर को आपके तन से जदा कर दिया। उस पूरे मंजर को जब सैयदा ज़ैनब ने खेमे से बाहर आकर देखा कि हर तरफ खून ही खून है और हर तरफ जो है वो लाशें ही बिखरी पड़ी हैं, और कहती हैं कि मैं उनमें तलाश करती फिर रही थी कि मेरे वीर, मेरे हुसैन, मेरे भाई वो कहाँ गए जो हमारे सर पर साहिबान की तरह थे। तो कहती हैं कि मुझे बाड़ियाँ तो नज़र आ रही थी, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म मुझे नहीं मिल रहा था। कहती हैं कि मैं जब तलाश करती करती गई, एक लाश को देखा, एक शहीद को देखा, दूसरे शहीद को देखा, तीसरे शहीद को देखा, आगे गई तो नन्ना 6 माह का अली असगर खून से जो है वो लथपथ पड़ा हुआ देखा, नौजवान अली अकबर को खून आलूद देखती गई, फिर अपने भतीजों को देखती गई, भाइयों को देखती गई, और कहती है कि फिर मैं एक ऐसी लाश के पास पहुंची जो जिस्म तो तन तो था लेकिन सर उसके साथ नहीं था। और फिर मैंने आपके कुर्ते से, आपके लिबास से, आपके जो बाडी की जो हैयत थी उससे मैंने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहचाना। पहचानने के बाद सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि उन जालिमों ने खैमे जला दिए थे,
इमाम जैन अलाबिदीन और साथ में खवातीन को और बच्चों को कैद कर दिया था, जंजीरों से बांध लिया था। तो मैंने उन जालिमों से ये कहा कि मुझे इतना मौका तो दे दो कि मैं इन खानदान मुस्तफ़ा और इन 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 नौ ये जो नौ निहाल शहीद हुए हैं, जो नौजवान शहीद हुए हैं जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां पेश की हैं, मैं इनके इनकी तदफीन का तो कोई इंतज़ाम कर लूँ। तो कहते हैं कि उन जालिमों ने मेरी एक बात न सुनी। उस वक़्त आहें भरते हुए, सिसकियां लेते हुए, चीखो पुकार करते हुए, आहो बका की हालत में हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने अपने सामने अपने प्यारे आका जनाब सैयदुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। कहती हैं कि जब मैंने देखा कि सरकार एक कोने में खड़े हैं और आपका जिस्म भी गबार आलूद है, आपके हाथ में एक शीशी है, उसके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम शुहदा के खून को जमा किए हुए खड़े हैं और अफसरदा हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि मैंने उस लम्हे फिर अपने आका को मुखातब करके कहा, और जिसको तारीख इब्ने कसीर ने, तारीख तबरी ने और दीगर अहले सीर ने उन अल्फाज को जो सैयदा ज़ैनब ने उस वक़्त उन शुहदा के करीब खड़े होकर उस मंजर की मंजरकशी करते हुए, उन्होंने किसी और को न पुकारा, उन्होंने सामने खड़े मुस्तफ़ा करीम को पुकारा और क्या कहा, फरमाया कि आप सीएम लिखा है कि आप फरमाती हैं कि जब आप एक तरफ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के कटे हुए जिस्म को देखती, तन देख नजर है और आपका सर आपके सब जिस्म के साथ मौजूद नहीं है, उस और खून से लथपथ आपकी लाश है, फरमाया कि जिस वक्त उन्होंने उनकी गर्दन काटी है इस तरीके से खून का फवारा निकला कि जिस तरह ये आप मेरे गले में ये देख रहे हैं ये जो रुमाल है, इस तरीके से फरमाया खून का फवारा इधर से भी आया, इधर से भी आया और उनके सीने को घेरे हुए था। उस मंजर को देखकर सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि मैंने अर्ज किया, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, या मेरे आका, या सैयदी, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद रसूल अल्लाह, हाजा हुसैन बिल आरा, या रसूल अल्लाह, ये आपका वो हुसैन है जिसको आप अपने कंधों पर उठाया करते थे, या रसूल अल्लाह, ये आपका वो हुसैन है जिसकी पेशानी को आप चूमा करते थे, या रसूल अल्लाह, ये आपका वो हुसैन है जिसकी जबान पर को आप अपनी जबान के साथ घुटी दिया करते थे, या रसूल अल्लाह, ये आपका वो हुसैन है जिसको 7 साल तक आपने अपने सीने से लगाए रखा, या रसूल अल्लाह, ये आपका वो हुसैन है, हाजा हुसैन बिल आरा, या रसूल अल्लाह, ये आपका हुसैन आपके दीन के लिए अपनी कुर्बानी देकर, अपने आप को कुर्बान करके, अपने खानदान का कुर्बान करके और बच्चों को कुर्बान करके, नौजवानों को कुर्बान करके, अपने आप को कुर्बान करके आपकी खिदमत में हाजिर है। आप अपनी निगाह नबुव्वत से और अपनी आंखों से खुद अपने हुसैन की कुर्बानी को मुलाहजा कीजिए। ये अल्फाज सैयदा ज़ैनब ने करबला के सहारा के अंदर, जब सारा खानदान रसूल जिनको जुल्मन कत्ल कर दिया गया, जिनको शहीद कर दिया गया, जिनके लाशें तपते हुए सहरा के अंदर पड़े थे, उस वक्त सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये तारीखी जुमले कहे कि या वा मुहम्मदा, वा मुहम्मदा, हाजा हुसैन बिल आरा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये आपका हुसैन है, इसको आप अपनी आंखों से देख लीजिए। मुज़म्मिलुत्तेमा, हज़रत ज़ैनब ने क्या कहा, मुज़म्मिलुत्तेमा, या रसूल अल्लाह, आपके हुसैन ने आपके दीन की बका के लिए आज जो है वो अपने ही खून से बुने हुए हार की चादर पहन ली है, अपने ही खून से निकले हुए रंग से अपना अपना अपने अपने कफन का इंतखाब किया है, और वो जिस तरीके से वो जो गले जब उन्होंने गर्दन काटी ना सैयदना इमाम अली मकाम की, इस तरीके से वो एक हार नवा खून का एक फवारा जो आपके सीने को घेरे हुए था। तो सैयदा ज़ैनब ने नबी पाक को मुखातब करके फरमाया कि या रसूल अल्लाह,
हाजा हुसैन उन बिल आरा, ये आपका हुसैन है, आप इनको अपनी आंखों से देख लीजिए। मजहब मिलुतमा, आज आपके हुसैन ने अपने ही खून से बुना हुआ हार, शहादत का हार अपने गले में पहन लिया है। या रसूल अल्लाह, आज अपने बेटे हुसैन की कुर्बानी को खुद कबूल करके जिस तरह हुसैन ने 72-71 नफूस को एक एक को उठाकर, जो भी शहीद होता था सर सैयदना इमाम अली मकाम उनको उठाकर कहते थे, या रब्बे करीम तेरे दीन के लिए इसने कुर्बानी दे दी, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जब अपनी कुर्बानी पेश की तो सैयदा जैनब ने बारगाह मुस्तफा करीम में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपके हुसैन ने अपने ही खून से बुना हुआ हार, शहादत का हार गले में पहन लिया है, अपने सर को पेश कर दिया है, अपने तन के साथ शहादत का हार पहनकर हाजिर है। या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी जैनब आज आपकी खिदमत में अर्ज कर रही है कि आज अपने बेटे हुसैन को खुद रब की बारगाह में पेश करके इसकी शहादत की सनद हासिल है। हुसैन बिन औरा, ये हुसैन है, इन्हें आप खुद देख लीजिए। इन्होंने मजहब मिलुतमा, इन्होंने खून की जो अब अपने ही खून से शहादत का हार पहन लिया है। मुकत्तला आदा, हज़रत ज़ैनब ने कहा, या रसूल अल्लाह, दुश्मनों ने आपके बेटे को कत्ल कर दिया है, दुश्मनों ने आपके बेटे का सर तन से जुदा कर दिया है, दुश्मनों ने आपके बेटे को जो है वो खून में नहला दिया है। तो फिर फरमाए, फिर कद वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, फिर जो है पहले तो लाशों की तरफ देखा, अब जब पीछे मुड़ के खैमों की तरफ देखा सैयदा ज़ैनब ने, तो वहां छोटी छोटी बच्चियां चीख रही थी, छोटे छोटे बच्चे चीख रहे थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस्म के अंदर जान नहीं है, निकाहत के आलम में जमीन पर पड़े हुए थे और हाथों में जंजीरें पड़ी हुई थी, पांव भी बांधे हुए थे। जब उस तरफ मुतवज्जे हुई तो फिर हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के जिस्म की बॉडी के पास खड़ी होकर सैयदा ज़ैनब ने फिर इशारा किया कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वा मोहम्मदा, वा मोहम्मदा, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया, जरा पीछे की तरफ भी एक नजर देख लीजिए, क्या फरमा बनाता का सबाया, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटियों को इन जालिमों ने कैद कर लिया है, आपकी बेटियों को क्या कर दिया है, जंजीरों से बांध लिया है, आपकी बेटियों को कैद कर लिया गया है, आपके ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में भी जंजीरें पड़ी हैं, आपके ज़ैनुल आबिदीन के पांव में भी जंजीरें पड़ी हैं, और आपकी बेटियों को भी जंजीरों से बांध दिया गया है। बनाता का सबाया, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटियों को भी इन यजीदियों ने, इन जालिमों ने क्या कर दिया है, कैद कर लिया है। वज़ुर्रियतु का मकत्तला, फिर हजरत ज़ैनब ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी ज़ैनब आज इस कर्बला के मैदान में खड़ी होकर आपको एक मंजर और दिखाना चाहती है, और वो मंजर क्या है, वज़ुर्रियतु का मकत्तला, आपकी औलाद में से ये 6 माह का अली असगर है। या रसूल अल्लाह, इसको भी अपनी आंखों से देख लीजिए, इस 6 माह के अली असगर ने भी अपने घलक में तीर खाया है आपके दीन को बचाने के लिए। ये आपकी औलाद के अंदर नौजवान अली अकबर है, वह ज़ुर्रियतु का मुकत्तला, और फरमाया के आपकी औलाद के अंदर ये नौजवान अली अकबर है, इसका लाशा भी आपके सामने मौजूद है, इसे भी कबूल कर लीजिए। 6 माह का अली असगर मौजूद है, इसके इनको भी कबूल कर लीजिए। फिरऊन और मोहम्मद मौजूद है, इनको भी कबूल कर लीजिए, और अबू बकर उमर और उस्मान मौजूद है, इनको भी कबूल कीजिए, अब्बास अलमदार मौजूद है, इनको भी कबूल कीजिए, और ये 71 अफराद और आपके हुसैन समेत ये जो 72 अफराद हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इनको बेयार और मददगार यहाँ छोड़ रही हूँ। फरमाया कि इन्होंने मुझे जो है वो इनकी तदफीन की भी इजाजत नहीं दी है। जब ये मंजर कहा ना, तो आप मुझे बताएं कि वो क्या मंजर हुआ होगा। और फिर सैयदा ज़ैनब की वो आवाज आसमानों से टकराई, सैयदा ज़ैनब की वो आवाज गोया के सातों आसमानों के सीनों को चीर कर वो बारगाह रब्बे करीम में पहुंच रही थी। उस मंजर को अहले सीयर ने लिखा है कि सैयदा ज़ैनब उस कर्बला के उस पूरी दास्तान को एक एक करके रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर रही थी।
यजीदी फौजें भी मबहूत खड़ी थी और किसी को ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़े। और फिर सैयदा ज़ैनब इस पूरे मंजर को पेश कर रही थी, कहते हैं कि हमने देखा कि आसमान के चारों किनारों के ऊपर बिल्कुल सुर्खी छाई हुई थी। ये पता चलता था कि आसमान से भी खून बरस रहा है। ऐसा दिलखराश मंजर था, जुल्म जबर की ऐसी दास्तान है कि जिसको कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन सैयदा ज़ैनब ने इसको बयान इसलिए किया ताकि तारीख के अंदर यह महफूज रहे कि क़यामत तक आने वाले रसूलुल्लाह के जो उम्मती हैं उन्हें दीन की हिफाजत के लिए उस्वाए हुसैनी को हर लम्हा अपने सामने रखना होगा। औलाद की कुर्बानी पेश करनी पड़े तो उस्वाए हुसैनी, बच्चों की कुर्बानी पेश करनी पड़े तो उस्वाए हुसैनी, अपने आप की कुर्बानी पेश करनी पड़े तो उस्वाए हुसैनी, ख्वातीन और अहबाब की कुर्बानी दीन के लिए पेश करनी पड़े तो उस्वाए हुसैनी, क़यामत तक के लिए ज़र्बुल मिसल है। ये वो दास्तान है जिसको सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि फिर जब वो उन्होंने देखा तो यजीदी फौजें आगे बढ़ी हजरत ज़ैनब को कैद करने के लिए। तो आपने उनसे कहा कि मुझे इतना मौका तो दो कि मैं इनकी तदफीन कर लूं। तो उन्होंने कहा जी नहीं है। तो हजरत ज़ैनब कहते हैं कि फिर मैंने अपने आसमान की तरफ देखकर कहा कि बारे इला, इन्होंने कुर्बानी देनी थी दे दी है, वह खानदान पूरे खानदान रसूल को इन्होंने जो है वो कत्ल वारत करके खून से नहला दिया है। ऐ अल्लाह मैं अब इनको तेरे सुपुर्द कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? कहती है इतनी अल्फाज मैंने अपनी जबान से निकाले ना। फिर सैयदा ज़ैनब कहते हैं मैंने एक बड़ा अजीब और गरीब मंजर देखा, पतस्फिया अलैहि रियाह, कहते हैं कि मैंने देखा कि एक तूफान आया। क्या हुआ? एक तूफानी हवा चली करबला के मैदान में। सैयदा ज़ैनब कहती चारों तरफ से तूफान आया, मट्टी उड़ती हुई आई और उस मट्टी ने आकर तमाम जितने 72 शहादा थे उनके ऊपर वो रेत ने उनको ढांप लिया। फरमाया यजीदी फौजों ने, यजीदी जालिमों और मलऊनों ने, उनको तो रैम ना आया लेकिन अल्लाह की तरफ से हवा चली और करबला की मट्टी उठी और उड़ती हुई रेत ने उन 72 नफूस के शहादा के जिस्मों को ढांप लिया। और फिर कहते हैं कि पूरे खानदान रसूल के जो बचे खचा काफिला था उसको फिर इन्होंने क्या किया, कैद करके फिर ये दमिश्क की तरफ रवाना हुए। फिर ये आगे बढ़ते चले गए। तो इसी तरीके से फिर उनमें से उन खानदान रसूल रसालत में से बचने वाले जो लोग थे उनमें एक हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला, हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका नाम नामी इसमें ग्रामी ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, याद रखिएगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अली था। क्या था? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मौलाए कायनात, ताजदार हदाता, मौला मुश्किल कशा, हजरत अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ऐसा इश्क था कि आपने अपने तीनों बच्चों का नाम अली रखा। तीनों बच्चों का नाम क्या रखा था? अच्छा, उनकी पहचान के लिए कैसे, जो सबसे बड़े थे उनका नाम था अली अकबर। क्या नाम रखा? बड़ा अली। अली अकबर का क्या माना है? बड़ा अली। ये जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे इनका नाम था अली औसत। अली औसत कहते हैं दरमियाना अली। और जो सबसे छोटे 6 माह के शहीद हुए उनका नाम रखा अली असगर, तो उसका माना सबसे छोटे। तो तीनों बेटे जो करबला के अंदर मौजूद थे, तीनों इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के बेटे थे, तीनों का नाम आपने अली रखा था। क्या नाम रखा था? उनकी पहचान क्या थी? अली अकबर, अली औसत और अली असगर। ये तारीखी जुमले हैं, ये तारीखी वो मोती हैं, इनको याद रखें क्योंकि यही वो कुर्बानी है जो इस्लाम में जिंदा रहने का सलीका सिखाती है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम क्या था? अली औसत। और आपका आपकी उस वक्त जो उम्र थी वो तकरीबन 22 साल थी। कितनी थी? 22 साल की उम्र थी। बुखार शदीद था और वो बिल्कुल जिस्म नकाहत की पोजीशन में था। और खुदा की इसमें हिकमत भी थी कि उन पर बुखार तारी हो गया, जिस्म ने काम करना शुरू हो गया, बेहोश छोड़ दिया तो बेहोशी तारी हो गई। और इसमें हिकमत खुदावंदी क्या थी कि अल्लाह ने इस जिस्म से, इस वजूद से फिर नस्ल मुस्तफ़ा को चलाना था, फिर खानदान रसूल को चलाना था। इसी तरीके से इमाम हसन के जो वो छोटे छोटे बेटे रह गए थे उनमें हजरत जैद थे,
और दीगर बेटे थे उनसे आगे हसनी सादात की नस्ल चली है। तो ये अल्लाह की हिकमत थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचाना था क्योंकि आगे इससे नस्ल रसूल चलनी थी। तो आपका नाम अली औसत था और अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब ये आपका सिलसिला नसब है। और इसी तरीके से आपकी कुनियत अबू मोहम्मद थी, अबुल हसन थी, अबुल कासिम थी, अबू बकर थी। और आपके अलकाब में से आपको ज़ैनुल आबिदीन कहते थे। सानिया करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर जो कैफियत तारी हो गई थी, जो सबर की कैफियत थी, जो तकवे की कैफियत थी, जो आपके ऊपर एक अजीब व गरीब रूहानी वारदातें आपके ऊपर आती थी और रसूलुल्लाह की निगाह करम मौलाए कायनात की निगाह करम आपके ऊपर थी, इसी तरीके से सैयदाए कायनात की निगाह करम आपके ऊपर थी, हसनैन करीमैन की निगाह करम आपके ऊपर थी, और ये इन तमाम नफूस का रूहानी फैज इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसा नसीब हुआ कि क़यामत तक के लिए नस्ल मुस्तफ़ा बाकी है। तो आपकी जो पैदाइश हुई है वो 5 शाबान अल-मुअज़्ज़म सन 38 हिजरी को हुई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश क्या हुई है? सन 38 हिजरी को हुई है। और आपका जो विसाल मुबारक है ये आपका विसाल मुबारक सन 94 हिजरी है। इस तरीके से आपने तकरीबन 58 ईयर्स उम्र पाई है। कितनी? 58 ईयर उम्र आपने पाई है। और सानिहा करबला के बाद तकरीबन 33 बरस तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन हयात रहे। फिर आपने मदीना तैयबा को न छोड़ा, दरे रसूल को न छोड़ा, रोज़ाए रसूल को न छोड़ा, और फिर सारी जिंदगी नबी पाक की कुर्ब में गुजारी। और सन 94 हिजरी को जब आपका विसाल हुआ तो आपकी तदफीन जन्नतुल बकी के अंदर रसूलुल्लाह के कुर्ब के अंदर हुई। अल्लाह ताला हम सबको इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हालात इसके ऊपर तारीख ने बहुत ज़बरदस्त और ईमान अफरोज़ वाक़ियात लिखे हैं, लेकिन चूँकि वक्त अपने दामन में इतनी वसअत नहीं रखता, ये मुख्तसर सा मैंने तआरुफ़ पेश किया। वरना आपका तक़वा, आपकी इबादत, आपकी रियाजत, आपकी गुफ्तगू, आपका इल्म, बस इतना समझ लीजिए कि उनके इल्म के अंदर इल्म मुस्तफ़ा, नूर इल्म मुस्तफ़ा का नूर था, उनके इल्म के अंदर मौलाए कायनात के इल्म का नूर था, उनके इल्म के अंदर सैयदाए कायनात के इल्म का नूर था, उनकी रूहानियत के अंदर रूहानियत मुस्तफ़ा का फैज़ था, उनकी रूहानियत के अंदर रूहानियत मौलाए कायनात का फैज़ था, उनकी रूहानियत के अंदर रूहानियत सैयदाए कायनात का फैज़ था, उनकी रूहानियत के अंदर हसनैन करीमैन की रूहानियत का फैज़ शामिल था, जिस वजह से क़यामत तक के लिए उम्मत को जीने का सलीका मिला। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर।